अल्लाह जी, क्या हाल है? आपको उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, आज की हमारी वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है गूगल एडसन पे आई थिंक वेरिफिकेशन के बारे में। मेरे पास ईमेल आ चुकी है आई थिंक गूगल एडसन की तरफ। तो ये ईमेल आई हुई है, यू नीड वेरिफिकेशन टू आइडेंटिटी रिसीव पेमेंट फॉर एडसन। तो वो कह रहे हैं कि पेमेंट वसूल करने के लिए आपको जो है ना वेरीफिकेशन करनी पड़ेगी। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पर? आप पिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे आईडी कार्ड से ही ये वेरीफिकेशन होगी। ये बात मैं वादे कर दूं कि हम आईडी कार्ड से वेरिफिकेशन करने वाले हैं, पिन अप्लाई नहीं करने वाले। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं टू कंप्लीट वेरिफिकेशन टू प्रोवाइड टू एडिशनल इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद इन ईमेल टू करंट गवर्नमेंट इशू आईडी कार्ड एंड पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस। वो कह रहे हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो या आई थिंक आईडी कार्ड हो, उससे आप जो है ना इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इम्पोर्टेड एन इंफॉर्मेशन एक्चुअली मैच एन इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट इशू फोटो आईडी कार्ड एंड पर्सन। तो वो कह रहे हैं कि भाई आपका आईडी कार्ड है और जो आपने एडसन बनाया हुआ प्रोफाइल उसकी आई थिंक जो कुछ नाम वगैरह है सब कुछ मैच होना चाहिए, नहीं तो आपकी वेरिफिकेशन नहीं होगी। तो अब बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं कि वेरिफिकेशन कैसे होगी। तो मैं वेरीफाई नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस फेस आएगा आपके सामने। आप आई थिंक एडसन से भी जाके वहाँ पर एक्शन का ऑप्शन आएगा, तो मैं एडसन से भी आपको दिखा देता हूँ एक मरतबा। तो एडसन में भी एक एक्शन का ऑप्शन आया हुआ है, तो यहाँ पर मैं एडसन में भी ये एक्शन का ऑप्शन आया हुआ है, ये चेक करें। तो यहाँ पर आप एक्शन पर क्लिक करके भी आई थिंक उसी पेज पे आ सकते हैं जिस पर हम पहले थे, नहीं तो आप ईमेल से भी इसके ऊपर आई थिंक वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो मेरे पास इंटरनेट का मसला है तो इस वजह से। ये लें जी, इस तरह से कुछ इंटरफेस होगा। तो यहाँ पर हमने वेरीफाई योर आइडेंटिटी पर क्लिक कर देना है, तो हम उसी जगह पर दोबारा आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट। तो मैं अपलोड कर देता हूँ इधर से अपनी फाइल। अच्छा जी, मैंने अपना आईडी कार्ड की तस्वीर जो है ना वो आई थिंक अपलोड कर दिया, एब्सेक्ट प्रूफ और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स जो वो कह रहे थे तो वो मैंने अपलोड कर दिया। एक बात आपने याद रखनी है, जब भी आईडी कार्ड की तस्वीर लें तो कोई कोना वगैरह जो है ना छूटा हुआ ना हो, पूरी क्लियर तस्वीर हो। आई थिंक किसी कपड़े पर या मेज़ पर आप रख के तस्वीर उसकी कैप्चर करते हैं तो वो मेज़ की या किसी भी चीज़ की साइडों पे आती है तो वो आने दें, आपने क्लियर नहीं करनी। लेकिन ये आपने ध्यान रखना है कि अपने फ्लैश लाइट वगैरह नहीं जलानी, क्लियर तस्वीर हो, यानी कि पढ़ने में आसानी हो। अच्छा जी, उसके बाद ये नीचे अपलोड करने के बाद ये कह रहे हैं दिस इंफॉर्मेशन वाइल यूज टू कंफर्म द योर कंफर्म इट्स यू एंड प्रोटेक्ट टू यू आर फ्रॉम फ्रॉड फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड एनी डॉक्यूमेंट दैट यू सबमिट बी एड यू टू योर पेमेंट प्रोफाइल एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट विल बी स्टोर्ड सिक्योरली एंड स्टोरेज इन रिकॉर्ड दी गूगल पेमेंट प्राइवेसी नोटिस। ये कह रहे हैं कि हमें ये वेरिफिकेशन आपसे जो है ना आपको धोखा दे या फ्रॉड से बचाने के लिए कर रहे हैं, बाकी हमारा और कोई मकसद नहीं है। तो उसके बाद आपने कर देना है इधर सबमिट। तो आपने एक बात और भी याद रखनी है कि आपने पहले अपना नाम वगैरह जब एडसन आप शुरू में बनाते हैं तो चेक कर लेना है कि वो जो है ना आपका एडसन है जो उसका नाम और आपके आई थिंक आईडी कार्ड का नाम मैच कर रहा है या नहीं। अगर आप पहले उसे चेंज कर सकते हैं, बाद में जो है ना वो चेंज नहीं होगा, जो लग गया दोबारा चेंज नहीं होगा जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दी होगी। तो इसके बाद कुछ इस तरह से आपके पास इंटरफेस आएगा, तो इसको आपने यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगले 5 दिनों में हम आपको बता देंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं आपने, आपकी वेरिफिकेशन हो चुकी है या नहीं। तो अगर जिस तरह से मैंने आई थिंक वेरिफिकेशन की, अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।
जी अभी अभी मैंने जो है ना एडसन के लिए आपको दिखाया है, मैंने आई थिंक अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड किया है उन्हें, तो अभी ये चेक करें मेरे जो आई थिंक एडसन की वेरिफिकेशन है वो उन्होंने अप्रूव कर लिया है। और यहाँ पर ये चेक करें मेरे पास ये एक्शन का ऑप्शन वैसे खड़ा हुआ है, तो मेरे पास गूगल की तरफ से ईमेल आ चुकी है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, वो कह रहे हैं यू आर आइडेंटिटी हैज़ बीन वेरिफिकेशन, प्लीज साइन इन गूगल एडसन अकाउंट एंड सेट योर प्राइमरी पेमेंट मेथड तो यू हैव टू डन ऑलरेडी, तो यू डेटा सेफ्टी प्राइवेसी इंपोर्टेड टू गूगल स्टोर इन यू आर इंफॉर्मेशन ऑन सक्सेसफुल सर्वर एंड लिमिटेड टू सक्सेस और पॉलिस प्राइवेसी पॉलिसी। तो वो कह रहे हैं कि भैया आपकी जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो 5 दिन का इन्होंने कहा था, लेकिन अभी मेरे पास तो डायरेक्टली मैसेज वापस आ गया है कि आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो गया है। अगर आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं हो रही है, किसी चीज़ का भी आपको मसला आ रहा है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपकी जितनी हेल्प हो सकी करूँगा। शुक्रिया।